नहीं नहीं मुझे क्रूज का प्राइस नहीं बल्कि उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए. एक्चुअली बात क्या है ना, मुझे मेरी वाइफ को बेस्ट क्रूज ट्रिप है ना सरप्राइज में देना है और उसके लिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए. डोंट वरी सर, ये बेस्ट हनीमून पैकेज है. थैंक यू सो मच. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ भी क्रूज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होना, जहाँ साइन करना है, पेमेंट करना है, जो भी करना है, प्लीज रूम में कुछ मत बोलना. आपके पास मेरा फोन नंबर तो है ना, तो मुझे कॉल कर लेना. माइक, मैंने चारू को देखा, वो यहाँ इसी होटल में है. What? चारू, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, कोई हमारा पीछा कर रहा है. वो ही है, चारू ही है. वो फ्लास भी चारू ने भेजे थे. वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है महक. लेकिन गुंजन, तुम चलो मेरे साथ में दिखाती हूँ. चलो तो सही. महक, मुझ पर नहीं तो अपनी आंखों पर तो भरोसा करते हो ना, प्लीज एक बार देख लेते. लेकिन घूरने आए हैं या किसी से मिलना है? वो चारू, चारू है क्या? कौन है जी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन है, किससे मिलना है? वो चारू. अरे कौन चारू? कमाल है, ये कोई तरीका है? पढ़ना नहीं आता या दिखाई नहीं देता? डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है. We are really sorry, very sorry. हमने आपको बेवजह डिस्टर्ब किया. Very sorry, very sorry. चलो जी. चलो. कुंचन अब चलो यहाँ से. मयंक, मैंने चारू को यही देखा था. कुंचन प्लीज मेरी बात मानो, लेट्स गो, कम. मयंक, आई स्वेयर आई एम 100% श्योर वो चारू ही थी. जस्ट प्लीज कम. शो मैंने उसे वहाँ देखा था. जब तुम चले गए थे ना, मैं वही खिड़की पर खड़ी थी. I'm 100% शो वो वही. अरे बस भी करो कुछ, कब से एक ही रट लगा रखी है. चारू, चारू, मेरी बात सुनो और अपने दिमाग लगा कि चारू का तुमसे, मुझसे, हमारी लाइफ से कोई नाता नहीं है. ओके, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन मैं, लिसन कुछ, जस्ट रिलैक्स. देखो हम लोग यहाँ छुट्टी में हैं, ठीक है? इट्स आवर हॉलीडे. और कुछ दिन चारू हमारा पास था जो अब खत्म हो चुका है. प्लीज. हाँ चारू मैडम, अब आप बाहर आ सकती हैं. ये क्या, उठो यहां से अभी और इसी वक्त. क्यों, क्या हुआ? तुम लोग हमारे बेड पे बैठे कैसे? क्यों नहीं बैठ सकते? ये मत भूलिए मैडम, हमने आपका काम किया. काम किया है तो उसके पैसे भी दे रहे हैं हम, समझे? ये लो और दफा हो जाओ यहां से. देखो कुंचन, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट ये मौसम देखो. हम दोनों यहाँ कितने खुश हैं और ऐसा मौका हमें घर पे वापस नहीं मिलने वाला और ना इतनी प्राइवेसी मिलने वाली है. प्लीज कुंचन. गुंजन वेट, लिसन गुंजन, लिसन. ओके वेट. ओके आई एम सॉरी. ओके
देखो कुंजन, हम अपने फर्स्ट एंड मोस्ट प्रेशियस हनीमून को इन सब बातों में वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं मुझे उस चारू के बारे में और कुछ नहीं सुनना, प्लीज तुम्हें मेरी कसम। अब तुम जाओ और जाके शाम की तैयारी करो। क्यों, शाम को क्या है? क्योंकि शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? अरे मेरी लैला, अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? अभी तुम वेट करो, रूम में जाओ और थोड़ी देर रिलैक्स करो, ओके? जाओ। अरे सुनो 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 सुनो, आप तुम्हारी वो प्यारी सी वो डिंपल वाली स्माइल अच्छी सी, कम ऑन। आय हाय, मैं मर जाऊं। क्या हुआ, कुछ चाहिए था? जी अंकल, हमें वो वाली छुट्टी दिखाई ना जरा। देख तो ली, अब लेनी हो तो बोलो तभी निकाले, नहीं तो तुम्हारे जैसे कॉलेज वाली बहुत लड़कियां आती हैं यहाँ टाइम पास करने के लिए। अंकल हमें एक नहीं, सात आठ जोड़ी लेनी है। सात आठ जोड़ी? अरे राम खिलावन, जरा मेम साहब को जूतियां दिखा। वो लाल वाली और वो वाली जूती दिखाइए ना। ये देखिए भैया जी, जरा वो ब्लैक वाला और कैमल वाला भी दिखाना। बिहान, यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत सारा काम पड़ा है। कमाल है रश्मि, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। और तुम अंकल जी, आप ही बताइए, जूती देखने आए तो एक से भले दो होने चाहिए ना। बस इस जूतों का हार मेरे गले ना पड़ जाए। कैरी ऑन कैरी ऑन। अंकल कितने की दी आपने? 600 की एक जोड़ी, बिना सलमे सितारे की 400। क्या 600? अब भैया जी एक काम करो, ये काली वाली की एक जोड़ी निकालो जल्दी, ये मुझे दो, ये नीली वाली एक निकालो यहाँ रखो, और एक वो ब्राउन ये वाली निकालो। आइए अंकल जी, अब बैठ के जरा हिसाब कर लेते हैं। आपने क्या कहा था, सितारों वाली जोड़ी के 600 रुपए पर जोड़ी, राइट? तो आपके हो गए 3600 रुपए, और बिना सितारों वाली के रचना कितने? 400 रुपए। 400 रुपए, 400 रुपए पर जोड़ी, तो आपके कितने हो गए? सितारों वाली के 3600 रुपए और बिना सितारों वाली के 2000 रुपए, राइट? अब 12 जोड़ी में से मैडम जी आपको 5 जोड़ियां वापस दे देंगी, तो मैडम जी के पास बची कितनी? 7 जोड़ियां, तो 600 रुपए पर जोड़ी के हिसाब से हुए 4200 रुपए। क्योंकि मैं और आप दोस्त हैं तो मैं आपको दूंगा 3500 रुपए। क्या बात है अंकल जी, सुबह सुबह बोनी हो गई आपकी, तो ये लीजिए, गिने गिने करा रहे नोट हैं। चलिए हो रचना, लो ना जल्दी, शॉपिंग की शॉपिंग भी हो गई। चलो रचना, चलो। ध्यान, 3500 रुपए में 12 34, मतलब दुकानदार की छोड़ो, हमें खुद को समझ में नहीं आया कि तुमने क्या किया। रचना तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिनती हो? विहान पहले मत बुझाओ, क्या किया तुमने? तुम्हें जूतियां खरीदने के लिए यही बाजार मिला था, हर एक जूती डबल प्राइस की लगा रहा था। अगली बार जूतियां ठोके भाव में खरीदनी हो ना तो ऐसा चलना। क्या हुआ? सच कहते हैं, जहां चाह वहां राह है। विहान अगर दिल से कुछ मांगो ना तो पूरी दुनिया आ जाती है साथ देने के लिए। तुमने जो अभी कहा ना वो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में ना बहुत अच्छा लगा, कूल है। चलो। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं सर, हम मैडम को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे। ट्रस्ट मी सर, सरप्राइज है सरप्राइज ही रहेगा।
थैंक यू सर. ये लीजिए, ये है आपके क्रूज का इनविटेशन. क्रूज पर पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे, और जैसा आप चाहते थे हमने सब कुछ वैसा ही प्लान किया है. मेरे ख्याल से मैडम को ये सब बहुत अच्छा लगेगा. ये उनके लिए एक यादगार शाम. That's what I want. हाँ हाँ मयंकर, तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि उसे हकीकत हम होने नहीं देंगे. अभी 12 बज रहे हैं. तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा सपना तबाह करने के लिए हमारे लिए 6 घंटे काफी है. बी रेडी मयंकर, 6 बजे सरप्राइज गुंजन को नहीं तुम्हें मिलेगा. जस्ट वेट एंड वॉच. राम जी प्लीज हमारी मदद करना. अगर अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी उसकी कुछ तो भरपाई कर पाएंगे. प्लीज हमारी मदद करना भगवान. लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो तुम पापा की मदद कैसे करेंगे? अगर अगर किसी को हमारी बनाई चीजें पसंद नहीं आई तो, और अगर बिकी नहीं तो, तो क्या होगा? जोशना दीदी देखिए ना, हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ए मिला है. क्या सच में? हाँ, और आपको पता है टीचर ने कहा है कि तुम्हारी दीदी बहुत टैलेंटेड है. क्या तुम्हारे टीचर ने सच में कहा कि हम टैलेंटेड है? सिर्फ टैलेंटेड नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो. और अब हमें भी लगता है कि हमारी दीदी सुपर टैलेंटेड है. प्लीज दीदी आज से आप ही हमारे प्रोजेक्ट करना. जरूर करेंगे डोलू. तुम्हें नहीं पता है कि तुमने हमारा कितना हौसला बढ़ाया. अब हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं. हमें ऑल द बेस्ट तो विश करो. बेस्ट ऑफ लक हमारी टैलेंटेड दीदी. जोर से नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच की बात है. ओके बाय, हम चलते हैं. बाय बाय. राम जी हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिस्से का कर दीजिएगा. हमारी डिजाइन सबको पसंद आ जाए. चाचा हो गया हमारा काम? हाँ बिटिया बस हो गया ही समझो. थोड़ी देर बैठो, एक दो टांके लगाने बाकी है. जी चाचा, बस हम एक बार देख ले क्या हो रहा है. बिटिया थोड़ा सब्र करो. एक बज गए और मिस्टर मयंक का अभी तक कोई ठिकाना नहीं. लो शैतान का नाफी और शैतान हाथ में. ये केक किस लिए? मैम ये आपके लिए है. मेरे लिए? कम इन.
शुरू होने जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर। इशारों को समझती जाओ और आज की हसीन शाम तक पहुंचो। सपने सच होने जा रहे हैं। शाम को तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज। मयंक, यू जस्ट टू मच। यम्मी, ये क्या है? लव स्टार बुटीक। हैंड इट ओवर टू द काउंटर टू कलेक्ट योर स्पेशल गिफ्ट। दिस इज ऑसम। चाचा, और कितना टाइम लगेगा? आप ही लड़की हो या राजधानी एक्सप्रेस, मुश्किल काम पकड़ा कर कहती हो कि जल्दी भी करो और तुम्हें काम भी साफ चाहिए। जी जी मास्टर जी, हो गया। लो, आ गया तुम्हारा सामान। मालूम नहीं था बिटिया कि तुम्हारे इस छोटे से भेजे में इतने नायाब डिजाइन भरे पड़े हैं। खुदा तुम्हें खूब तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ, हो गए। रहीमिया। हाँ। अरे वाह मास्टर जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतनी अच्छी कला आती है। किसने कहा है ये? इनसे पूछो, ये सब इन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। बताओ बिटिया, किसने कहा है? जी वो ये बैग 3,000। तीन हजार? मैंने थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि आपने तो इसके भाव सोने में लगा दिया। रखिए अपना बैग। हम रखते हैं। अरे रचना, मेरी बात तो सुनो। रचना, सुनो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है हमें। तुम्हारी वजह से हमारा पहला कस्टमर चला गया। और तुम्हें किसने कहा था 3,000 रुपए का रेट कहने के लिए? एक्सक्यूज मी, मिस जीरो बिजनेस सेंस। तुम्हें क्या लगता है क्लाइंट मेरी वजह से चला गया? तुम्हारा बस चलता ना तो तुम उसे बैग फ्री में दे देती। अच्छा? हाँ, जरा उसकी शक्ल देखो। शक्ल देख के लगता है कि वो 3,000 रुपए का बैग खरीदती। 3,000 रुपए बोलने पे उसका एक्सप्रेशन देखा था जैसे मैंने उसकी जायदाद अपने नाम करवा ली। उसकी शक्ल देख के तो लगता है कि सब्जी खरीदने जाती होगी ना तो वहां पे भी 20-30 रुपए लड़के कम करा लेती होगी और धनिया और मिर्ची फ्री में ले लेती होगी। रचना, वो तुम्हारा टारगेट कस्टमर नहीं है। चीज उसे बेचो जो उसे खरीदेगा। बिजनेस का सबसे पहला रूल। और अपना मेहनत और टाइम ना फालतू लोगों पे वेस्ट मत करो। टाइम इज मनी, मनी। अच्छा, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुमसे तो ज्यादा ही पता है। मैडम ने बैग तो बना लिया लेकिन उनका प्राइस नहीं मालूम। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुनो, जितनी तुम क्रिएटिव हो ना उतना ही मुझ में बिजनेस सेंस है। बिजनेस सेंस है ना सुबह जोड़ी।